प्रभु हमें आपको जीवन दिया है, है ना। और कोई भी कुछ भी हो, हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारा है और प्रभु के लिए। ये कि जो ईसाई मसीह द्वारा जो हिंदू लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है उसके संदर्भ में दिया गया है, और ये मांग की गई है कि अगर जो लोग ईसाई बन गए हैं, जो प्रमुख मांग में है कि जो लोग ईसाई बन गए हैं उनको जो चिन्हित करके उनको ईसाई रहने दिया जाए, और उनके बाद जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं मिल रही हैं उनको अलग कर दिया जाए उनसे, और वो एक कैटेगरी में रहे। मेरा ईसाई बनने वो कुछ भी बने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक जगह रहे, या तो दलित रहे या तो ईसाई रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि इसका जो है हम लोग सख्ती से पालन कराएंगे। तभी भी मैंने कहा कि महोदय 14 तारीख को मैंने जब कहा था तो आपने कहा था कि सख्ती से पालन किया जाएगा, लेकिन फिर भी पिछले संडे को बड़े पैमाने पर खुलेआम तौर पर प्रार्थना सभा हुई जिसका कोई रोका टोका नहीं गया। लगातार दबिश दी जा रही है, इसमें सख्त निर्देश दिया गया है संबंधित उप जिलाधिकारी को, बिना कोई परमिशन ऐसे कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, और यदि किसी प्रलोभन देकर लोगों को ऐसे किया जा रहा है तो उसको सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर अब नए सुर उठने लगे हैं। सामाजिक संस्थाएं और क्षत्रिय महासभा की ओर से ये मांग उठने लगी है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो या तो अपने धर्म में यानी हिंदू धर्म में ही रहें। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की और इस मांग के लिए मांग पत्र भी दिया है। ऐसे में सवाल ये होता है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उसको उनको किस धर्म का माना जाए। गाजीपुर से उज्जवल राय ईटीवी के लिए।